हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। रोज़ सुबह 10 बजे आपकी लाइव क्लास होती है होम साइंस टीजीटी पीजीटी की प्रैक्टिस सेट, तो ज़रूर देखा करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अवकाश काल के दौरान की जाने वाली जो क्रियात्मक क्रियाओं के अंतर्गत कौन सा कार्य शामिल किया जाता है? आपका नृत्य करना, पढ़ना लिखना, डाक टिकटों का संग्रह करना कि चित्र बनाना। अवकाश काल के दौरान किए जाने वाले जो क्रियात्मक कार्य हैं उसके अंतर्गत क्या शामिल किया जाता है? तो उसके अंतर्गत आपका पढ़ना और लिखना शामिल किया जाता है। अवकाश काल के दौरान बागवानी का कार्य करना किस प्रकार की क्रिया है? तो आप बागवानी का कि क्या कर रहे हो, कोई क्रिया कर रहे हो ना, कोई कार्य कर रहे हो ना, तो ये क्या है? क्रियात्मक क्रियाएं हैं। फिर कार्य सरलीकरण क्रिया के अंतर्गत सिंक में बर्तन धोने से कितने प्रतिशत समय की बचत होती है? 10, 20, 8 कि 4%? कार्य सरलीकरण के अंतर्गत जो सिंक होती है उसमें बर्तन धोने से कितने प्रतिशत समय जो होता है, टाइम होता है, उसकी बचत होती है? तो कार्य सरलीकरण क्रिया के अंतर्गत सिंक में बर्तन धोने से 8% समय की बचत होती है। फिर निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता प्रबंधन की नहीं मानी जाती? प्रबंधन एक कला है, प्रबंधन एक दर्शन है, प्रबंधन एक सामाजिक क्रिया है, प्रबंधन एक विज्ञान है। तो देखिए, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता प्रबंधन की नहीं मानी जाती? कि प्रबंधन एक दर्शन है, ये नहीं मानी जाती। फिर निम्नलिखित में से ग्रह व्यवस्था को सफल बनाने हेतु आवश्यक नहीं है नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन की कौशल। निम्नलिखित में जो ग्रह व्यवस्था है उसको सफल बनाने हेतु आवश्यक नहीं है, तो देखो, नियोजन आवश्यक है, नियंत्रण आवश्यक है, मूल्यांकन आवश्यक है, पर कौशल आवश्यक नहीं है। फिर समय एक ऐसा साधन है जो एक बार समाप्त हो जाने पर पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रस्त प्रबंधन के उपागम हेतु सबसे उपयुक्त है? जैसे समय है, टाइम है ना, पिछली बार जितनी भर्ती आई थी 600 के ऊपर कुछ आई थी होम साइंस की, पर इस बार उतनी नहीं है, इस बार 140-140 है शायद, ऐसे कुछ है, एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ मैं, एक अंदाज़ा बता रही हूँ। तो एक समय था ना, एक भर्ती इतनी आई होम साइंस की और एक समय इतनी है, तो जो समय चला जाता है वो वापस नहीं आता है। तो पढ़ाई कर लो, ये वैकेंसी दोबारा नहीं आएगी, क्या पता अगले बार इससे ज़्यादा देखने को मिल सकती है या इससे कम देखने को मिल सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। पर अभी तो हमें पता ना कि इतनी वैकेंसी है, तो इतनी वैकेंसी के लिए आपको फाइट करनी है, और इसके लिए क्या समय इम्पॉर्टेंट है, इस समय पढ़ लो, ये पढ़ने का टाइम है, आगे मौज मस्ती करने का टाइम रहेगा आपका। तो वही है इसमें कि समय एक ऐसा साधन है जो एक बार समाप्त हो जाने पर पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रस्त प्रबंधन के उपागम हेतु सबसे उपयुक्त है? समय प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, मुद्रा प्रबंधन, स्थल प्रबंधन। तो इसका राइट आंसर है समय प्रबंधन। परिवार के सभी जो सदस्य होते हैं, परिवार के सभी सदस्यों को सुविधाएं देते हुए परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ण करना आय व्यय को संतुलित रखना क्या कहलाता है? जो परिवार है उनके सभी परिवार के जितने सदस्य हैं उनकी सुविधाएं उनको सुविधाएं देते हुए परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ण करना और आय व्यय को संतुलित रखना क्या कहलाता है? तो आपका वो मुद्रा प्रबंधन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्था का लाभ नहीं है? लक्ष्यों के निर्धारण में सहायता, महत्व के अनुसार क्रमबद्ध करने में सुविधा, परिवार के सदस्यों को अपनी क्षमता के अनुसार योग्यताएं विकसित करने का अवसर, अवसर की समानता का होना। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्था का लाभ नहीं है? तो अवसर की समानता होना। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से व्यवस्था की प्रक्रिया का चरण नहीं है?
निम्नलिखित में से व्यवस्था की प्रक्रिया का चरण नहीं है? तो निम्नलिखित में से व्यवस्था की प्रक्रिया का चरण नहीं है अभिव्यंजनता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से निर्णय व्यवस्था प्रक्रिया का है? व्यवस्था प्रक्रिया का भाग, व्यवस्था प्रक्रिया का केंद्र बिंदु, व्यवस्था प्रक्रिया का परिणाम, व्यवस्था प्रक्रिया का कारण। तो व्यवस्था प्रक्रिया का केंद्र बिंदु। निर्णय लेने के लिए व्यक्ति को कितने सोपान से गुजरना पड़ता है? तो कितने चरण यानी कितने सोपान होते हैं उनसे गुजरना पड़ता है निर्णय लेने के लिए, कोई डिसीजन लेने के लिए, चाहे शादी का हो, चाहे वो कोई भी हो, जैसे आपके घर में कोई बीमार हो गया है तो उसका इलाज किस डॉक्टर से कराया जाए, तो इसके बारे में भी आपको क्या निर्णय लेना पड़ता है। तो निर्णय लेने के लिए व्यक्ति को कितने सोपानों से गुजरना होता है? पांच, निर्णय लेने से पूर्व सबसे पहले क्या करना चाहिए? समस्या समाधान हेतु विकल्पों की खोज, विकल्प विचार विनिमय, सर्वोत्तम विकल्प का चयन, समस्या को परिभाषित करना। तो निर्णय लेने से पहले हमें क्या समस्या को परिभाषित करना चाहिए? जब समस्या ही नहीं पता होगी तो निर्णय कैसे लोगे? जब पता है ना कि हाँ शादी के लिए लड़का ढूंढना है, यही तो हमारी समस्या है, समस्या तो क्या समस्या, लड़का ढूंढना, तभी तो ढूंढोगे, तो वही चीज़ है। तो डी इज राइट आंसर। तो ये थे आज के कुछ पैट्टी सेट के क्वेश्चन आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट पैट्टी सेट में। पैट्टी सेट अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इन क्वेश्चन को करो, अपना तैयारी का आकलन करो कितनी तैयारी आपने की है। तो आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं कल लाइव क्लास में 10 बजे। धन्यवाद।